किसान साथियों ग्रीन मॉर्निंग साथियों, ये 1692 पौधे हमारी और आप देख पा रहे हैं इसकी ग्रीनरी कितनी शानदार है। ये लगभग 1 से 1.5 बीघा में पौध डाली हुई थी हमने और ये दूसरा फार्म हाउस है, इसमें भी आप देख पा रहे हैं पौध कितनी शानदार है। किसान साथियों, हमने कई जगह अलग अलग फार्म हाउस के लिए अलग अलग टुकड़ों में पॉट डाली हुई थी, आप देख पा रहे हैं। ये सबसे लास्ट में पॉट डाली गई थी, आप देख पा रहे हैं इसमें लगातार बारिश का पानी मिलने से ये भी बहुत पूरी तरह शानदार हो गई है। अब आप देख पा रहे हैं ये सामने वाली पौध है, ये 17-18 है। किसान साथियों, इस पौध का एरिया थोड़ा ज़्यादा होने के कारण ये पौध थोड़ी घनी नहीं हो पाई, थोड़ा दूर दूर हो गई, इसलिए इसकी मोटाई ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि शुरुआत में यह पौध किसान साथियों पूरी तरह ऐसा प्रतीत हो रहा था इसमें 4-5 बीघा की पौधी निकल पाएगी, लेकिन अंत समय में हमने इसमें भट्टी खाद का प्रयोग किया और रिजल्ट शानदार रहा। हालांकि थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, 10 से 12 दिन ज़्यादा समय लग गया। इसकी रुपाई 30 दिन से पहले होनी थी, लेकिन हमारी रुपाई लगभग 35 दिन के आसपास हुई है, बल्कि 35 दिन से ओवर ही हो गया था। तो किसान साथियों, धान की रुपाई हमेशा समय से ही करें, तभी अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। हमारे पास कई सारे काम हो जाते हैं किसान साथियों, कभी कभी धान की रुपाई में देरी हो जाती है। और इसी के पास किसान साथियों हमारा पौध के खेत में यह आम का पेड़ शानदार खड़ा हुआ है और यह करीब 30-40 साल पुराना पेड़ है। इसमें बहुत सारे आम आए हुए थे, प्रत्येक वर्ष में 2 से 3 क्विंटल आम आते हैं और इसमें लगभग सभी लोग आम खाते हैं। अब जिसका पौधा है वह कभी नहीं खा पाता, दूसरे लोग ज़्यादा खा जाते हैं। इस बार इसकी हमने मेड़बंदी इसके भी करवा दी, क्योंकि इसकी जड़ें खुली हुई थी, तो हमने स्पेशल JCB को बुलाकर JCB से इसकी मेड़बंदी करवा दी, आसपास मिट्टी रखवा दी, जिससे इसकी जड़ें मजबूत रहें और पेड़ लंबे समय तक सुरक्षित यहाँ पर टिका रहे, जिससे आंधी के प्रकोप से गिरने उड़ने का इस पर डर ना रहे। तो किसान साथियों, समय समय पर पेड़ों की देखरेख करना भी आवश्यक हो जाता है। अब देख पा रहे हैं साइड में बम्बे से पानी चल रहा है पौध में और बगल में इसके आम का पेड़ खड़ा हुआ। तो किसान साथियों, इस प्रकार आप अपने खेत के आसपास खड़े हुए पेड़ पौधों को भी सुरक्षित रखें, जिससे आप जब भी अपने फार्म हाउस या खेत पर पहुँचें तो आपको पेड़ों की छाया में बैठने की एक निश्चित जगह मिल सके, क्योंकि धूप में हम हमेशा ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं।